बिग बॉस के अंदर शिवानी छा गई, शिवानी छा गई भाई आज बिग बॉस के अंदर। आज था वीकेंड का वार, और वीकेंड के वार में अनिल कपूर जो है आप लोगों को पता है एक एक करके सबकी खिंचाई करते हैं, तो यहाँ पे जो है शिवानी की खिंचाई करने के लिए बुलाया गया था पायल मलिक को। और पायल मलिक जैसा कि आप लोगों को पता है, पायल मलिक, अरमान मलिक और कृतिका मलिक ये तीनों एक ही परिवार से आते हैं, तो यहाँ पे पायल मलिक आई थी बाहर से कुछ एपिसोड देख के, जिसमें शिवानी शायद अरमान के बारे में या फिर पायल के बारे में कुछ बात कर रही थी। वो बात थी कुछ शादी को लेकर, जब पायल और अरमान की शादी थी और उसमें जब बुलाया गया था किसको, शिवानी को, तो शिवानी ने कुछ नोटिस करा था और वो बात उसने बताई थी सना मकबूल को। ये बात जो थी पायल को पसंद नहीं आई। यहाँ पे पायल आई थी शिवानी से बात करने कि जो तुमने बोला है वो गलत है, लेकिन शिवानी जो थी वो भारी पड़ गई पायल पे। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। पायल जो थी शिवानी से बात करने के लिए आई थी, और शिवानी से पायल कहती है कि शिवानी हमारी शादी में जब तुम आए थे तो हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई थी क्या, हमने तुम्हारे स्वागत में कुछ कमी कर दी थी क्या? तो शिवानी कहती है, देखो भाभी मैं आई थी आपकी शादी में, आपके साथ रील बनाई मैंने, आपके कुत्ते के साथ रील बनाई मैंने, लेकिन मैंने एक चीज वहां पे नोटिस करा। पहली चीज ये कि देखो खाने के लिए जो है मुझे आपने ऐसे बोला कि जा शिवानी को खाना दे दे, जैसे कोई कुत्ते को खाना देने के लिए जा रहा हो। तो मैं कोई कुत्ता या जानवर तो हूं नहीं, इंसान हूं, और हमारे गांव में ऐसे किसी को दिया नहीं जाता। और वैसे ये बात सच भी है, देखिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप उससे ऐसे थोड़ी कहेंगे जा इसको खाना दे दे, सीधा सा वर्ड होता है भाई इसके लिए खाना निकाल दो। तो यहाँ पे तुम शिवानी की बेइज्जती कर रहे हो, शिवानी ने ये बात बोल दी, पायल आई थी शिवानी की बेइज्जती करने, लेकिन यहाँ पे उल्टा पायल की बेइज्जती होनी शुरू हो गई। इसके बाद भी शिवानी रुकी नहीं, शिवानी क्या रुकी, पायल, शिवानी को ऐसा मजबूर कर दिया कि पायल की बेइज्जती और होनी थी। कैसे, यहाँ पे बात आती है शादी की, यहाँ पे फिर बात आती है शादी की। तो पायल कहती है, अच्छा हमारे यहाँ पे जब शादी में आए थे तो कुछ कमी उमी तो नहीं रह गई थी? तो यहाँ पे शिवानी ने फिर कहा, देखो कमी तो मेरे को दो और नजर आई थी। चीज ये जो शिवानी कहती है, शिवानी ये कहती है, जब मैं बारात में गई थी आपकी शादी में गई थी तो आप गिफ्ट लेने के लिए तो सबसे तैयार थे, आपने इतने सारे लोगों को बुला लिया था कि आप गिफ्ट ले रहे हो, सब पैसा वैसा मिल जाए वो चीज आपने ले ली, लेकिन भाई खाना खिलाने के लिए आपने दो तरीके अपना रखे थे, एक तो वो जो लोग आपके अपने थे उन्हें तो खाना खिला के भेज रहे थे, लेकिन जो बंदा दूर कहीं से आया होगा आपको गिफ्ट देने, आपका जान पहचान वाला, आप उसे बिना खाना खिलाए भेज रहे थे घर वापस। तो यहाँ पे मेरे को ये चीज पसंद नहीं आई, शिवानी ने ये बात खड़ी बोल दी किसके सामने, अनिल कपूर के सामने, पूरी जनता के सामने, और इसके साथ साथ वहां पर रहने वाले लोगों के सामने। इसके बाद शिवानी ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुन के जो है आपका और मेरा दिल भी पसीज जाए। क्या बात बोली शिवानी ने, कहा कि वहां पे एक बच्चा रो रहा था, अरमान बगल में खड़े हुए थे, लेकिन उस बच्चे को रोता हुआ देखे अरमान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये लो पैसे या फिर जाओ वहां से दूध लेके बच्चे को पिला दो। वहां पे अरमान उल्टा कह रहे हैं कि यार जब पाला नहीं जाता तो लेके क्यों आते हो, ये बात शिवानी ने खुले में सबके सामने बोल दी। और ये बात वैसे भी बहुत बड़ी बात है, अगर कोई भी बच्चा कहीं भी रो रहा हो आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप सोचोगे यार इसका कैसे जो है पेट भरा जाए, कैसे चुप कराया जाए। उल्टा अरमान जो है पैसे के चक्कर में शायद इतना बावला हो गया है कि उसे जो है इंसानियत का पता ही नहीं है, वो इंसानियत भूल चुका है। तो दोस्तों आज जो है शिवानी ने बुरी तरह बेइज्जती कर दी, पायल आई थी उसकी बेइज्जती करने, लेकिन उसने पायल की बेइज्जती कर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इन्फॉर्मेशन के लिए और बिग बॉस की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।